नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सशस्त्र सीमा बल भर्ती 2020 ड्राइवर, कुक, पेंटर, सफाई वाला, कारपेंटर और बहुत सारे विभिन्न ट्रेडों में जो वैकेंसी निकाली गई है, कुल पद 1522, अंतिम तिथि 17 सितंबर 2020। इसके लिए 10वीं ITI डिप्लोमा वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो में बता, जो भी नोटिफिकेशन में देखिए डिटेल दे रखी है तो वो एक एक डिटेल आपको बताई जाएगी, बिल्कुल सरल शब्दों में, टू द पॉइंट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो, ताकि आपका फॉर्म फिर रिजेक्ट ना हो। तो आधी अधूरी जानकारी आपके लिए आपको असुविधा कर सकती है। तो देखिए, बात करते हैं वैकेंसी कौन कौन सी निकाली गई। तो कॉन्स्टेबल ड्राइवर की सिर्फ पुरुषों के लिए, कॉन्स्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, कॉन्स्टेबल वेटनरी, कॉन्स्टेबल आयाह यानी कि आया फीमेल ओनली, कॉन्स्टेबल कारपेंटर, कॉन्स्टेबल प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कोबलर, गार्डनर, कुक, कुक की जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए, वाशरमैन की भी मेल और फीमेल दोनों के लिए, बार्बर की भी मेल और फीमेल दोनों के लिए, सफाई वाला की भी मेल और फीमेल दोनों के लिए, वाटर कैरियर की भी मेल और फीमेल दोनों के लिए, कॉन्स्टेबल बेटर सिर्फ मेल के लिए। वैकेंसी कैटेगरी वाइज दे रखी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए कॉन्स्टेबल ड्राइवर की, यानी कि कॉन्स्टेबल ड्राइवर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी 574 कुल। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है कुक के लिए 232 वैकेंसीज। तो कुल 1522 वैकेंसी है। 10% वैकेंसी एक्स सर्विस मैन वालों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। तो अब हम बात करेंगे एज लिमिट क्या है। देखिए, सारे पोस्टें ड्राइवर लेवल की हैं, यानी कि ड्राइवर रैंक की हैं। तो कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए 21 से 27 वर्ष, कॉन्स्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 18 से 25 वर्ष, बाकी सभी के लिए 18 से 25 वर्ष है। 18 से 23 वर्ष भी रखी गई है, वो है कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, बेटर, टेलर, गार्डनर एंड कोबलर के लिए। तो देखिए इनके लिए क्या क्या योग्यता दे रखी है, जी आपको साथ में बता रखा है, आपको मैं बता देता हूँ। ड्राइवर के लिए 10वीं होनी चाहिए और उसके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करूं तो 10वीं विद साइंस होनी चाहिए आपके पास, और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स का। साथ ही अगर वेटनरी की बात करूं तो 10वीं है इसके लिए भी, विद साइंस सब्जेक्ट रहा होना चाहिए आपका 10वीं में। बस इसके लिए चाहिए, बाकी दूसरी जो योग्यता जो जो इन्होंने मांगी हुई है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो डिज़ायरेबल है, अगर वो नहीं भी हो तब भी चलेगा। कॉन्स्टेबल आयाह यानी कि आया दाई, उसके लिए 25 साल 18 से 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। आपके पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्स्ट एड एग्जामिनेशन का, साथ ही 10वीं विद साइंस होनी चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। कॉन्स्टेबल कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर की बात करूं तो 10वीं होनी चाहिए, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर में, जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे, और 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या वोकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि ITI से, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस। और जिस ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे यानी कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, तो 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 2 ईयर्स डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 2 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए ITI से विद सिमिलर ट्रेड, यानी कि जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे, और क्वालिफाई किया होना चाहिए आपने ट्रेड टेस्ट। अब बात करता हूँ कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर एंड कोबलर। तो इनके लिए भी बिल्कुल सेम है, क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट, 2 साल का डिप्लोमा, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये बिल्कुल सेम है, बस बात इतनी सी है कि अब ट्रेड अलग हैं तो उस ट्रेड से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होंगी। तो लास्ट डेट की बात करूँ तो 30 डेज फ्रॉम जब से इसका पब्लिकेशन किया गया है इस एडवर्टाइजमेंट का, तो 11 अगस्त को पब्लिकेट किया गया था जे। तो अगर मैं 11 अगस्त से 30 दिन बाद की बात करूँ तो लगभग 17 सितंबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। जो रिमोट एरिया से आते हैं उनके लिए 37 दिन दे रखे हैं, तो 17 सितंबर से पहले पहले आप भर देंगे। फीस की बात करूँ तो अनरिजर्व्ड, EWS एंड OVC इनके लिए 100 रुपये, बाकी जितने भी कैटेगरीज बच गए चाहे वो फीमेल कैंडिडेट्स हों तो उन सभी के लिए फ़ीस माफ़ है। इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही मान्य होंगी, ऑफलाइन नहीं है इसके लिए। तो आप सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे इसके लिए, कौन सी वेबसाइट पर जाएंगे, तो www.ssbrect.gov.in पर आप जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। जो पता ही होता है, जिससे भी आप जो फॉर्म भरवाएंगे जिस भी कंप्यूटर सेंटर से, उसको जो पता ही होगा। तो देखिए, इतना ही नोटिफिकेशन 3 पेज का जारी कर रखा है SSB के द्वारा इसके लिए, बाकी कोई डिटेल नहीं दे रखी कि इसके लिए एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं दे रखा। तो अगर आपको
और कोई डिटेल चाहिए हुई तो चाहिए हो तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करने की, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह की वीडियोस आगे भी आती रहेंगी किसी भी भर्ती से रिलेटेड, तो चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।